अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एक एंटीबायोटिक्स के ऊपर है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। जिथ्रोमाइसिन के नाम से तो आप वाकफ होंगे, जिसका मशहूर ब्रांड एजोमैक्स है। 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मोस्टली अवेलेबल होती है। जिथ्रोमाइसिन का तल्लक मैक्रोलाइड क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ है, जो कि बैक्टीरियल प्रोटीन को इनहिबिट करती है। इसके अलावा बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया को किल करना और आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। इसको वायरल इन्फेक्शन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कॉमन कोल्ड और फ्लू वगैरह के मसले में जब इसको इस्तेमाल किया जाता है तो आपकी जो कहेंगे प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाती हैं। इसी वजह से एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लें। जब आप एक बार एंटीबायोटिक्स को शुरू कर लें तो फिर 5 से 7 दिन तक लाजमी इसको इस्तेमाल करें। एजिथ्रोमाइसिन के यूजेस की अगर बात की जाए तो इसको मेल और फीमेल में अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का कोई मसला आ रहा है, इसके अलावा यूरिथराइटिस में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फीमेल को अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज वगैरह का मसला है, गोनोरिया का मसला है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरिन में कोई इन्फेक्शन वगैरह का मसला है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम एजिथ्रोमाइसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन को और किसी को साइनोसाइटिस की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कि नाक के अतराफ में आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, उसमें इन्फेक्शन का मसला है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मिडल ईयर इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी हम एजिथ्रोमाइसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एजिथ्रोमाइसिन को टॉन्सिलाइटिस का मसला है या फ्रेंजाइटिस वगैरह का मसला है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी के ब्रोंक्यूल्स में कोई इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस का मसला बना हुआ है, तो उसको कम करने के लिए उसके ट्रीटमेंट में भी हम एजिथ्रोमाइसिन को इस्तेमाल करवाते हैं। निमोनिया वगैरह का अगर किसी को मसला है तो उसके ट्रीटमेंट में भी एजिथ्रोमाइसिन को इस्तेमाल करवाना बहुत बेहतर है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन को टाइफाइड में कम्बिनेशन के साथ भी इस्तेमाल करवाया जाता है। अल्सर के पेशेंट में भी इसको कम्बिनेशन में इस्तेमाल करवाना ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा कहने के अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्किन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके ट्रीटमेंट में भी एजिथ्रोमाइसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ में कहने के रोल है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, लेकिन हर एक में इसका तरीका इस्तेमाल डोज ड्यूरेशन कहने के अलग-अलग से है। नॉर्मली इसकी डोज ड्यूरेशन और तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो इसको 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जिन बच्चों की उम्र 8 से 14 साल तक है उनमें 250 मिलीग्राम के कैप्सूल को दिन में 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल करवाना ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह अडल्ट में इसकी 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स को दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कहने के वेट, एज और डिजीज़ के बाद ही तय किया जा सकता है कि कितनी डोज एक वक्त में दी जा सकती है। इसको खाने से 1 घंटा पहले या खाने से 3 घंटे बाद में इस्तेमाल करवाना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जिन लोगों को मैदे में अल्सर वगैरह का मसला है तो उनको इसको कहने के खाने के साथ भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसकी फूड के साथ भी अब्जॉर्प्शन कहने के बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसी तरह अगर इसकी प्रिकॉशन की बात की जाए तो जिन लोगों को एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया वगैरह का मसला है, उन अफराद में इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। इसके अलावा किसी को लीवर वगैरह का मसला है तो उन अफराद में भी इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। एजिथ्रोमाइसिन को और किसी को कह लें कि हार्ट रेट वगैरह का मसला है तो उन अफराद में भी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट में भी इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से आपके जो मसल होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिससे आपकी कह लें कि जो डिजीज़ है वो और ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस हो सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से डायरिया वगैरह का मसला हो सकता है, स्किन रैश हो सकती है, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी वगैरह का मसला हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन की अगर प्रेगनेंसी में इस्तेमाल की बात की जाए तो इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। एजिथ्रोमाइसिन की कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात की जाए तो मुख्तलिफ किस्म के जो हर्बल प्रोडक्ट होती हैं, वाइटामिन के सप्लीमेंट होते हैं, उनको इसके साथ इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से उनके एब्जॉर्प्शन में कमी आ सकती है। दिक्कत हो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।